नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। फटाफट आइए, आपको बताते हैं सुबह की बड़ी खबरें। बिहार से एक बार फिर एक नव निर्मित पुल के गिरने की खबर सामने आई है। राज्य के अररिया जिले के सिकटी में बारा नदी के ऊपर 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया पुल आज उद्घाटन से पहले ही भरभरा कर ढह गया। आपको बता दें, घटना मंगलवार की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पुल का निर्माण पररिया घाट पर किया गया था। पुल गिरने के हादसे के बाद सरकार एक्शन मोड में है और अब तक 2 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है और ठेकेदार पर भी FIR दर्ज करवाने का आदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी इन लोगों को संबोधित भी करेंगे। परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं जिनकी कुल बैठने की क्षमता 1900 है। इसमें 300 सीट की क्षमता वाले 2 सभागार भी हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी के साथ साथ बढ़ते जल संकट ने भी दिल्ली वासियों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ सियासी माहौल भी काफी गर्मा गया है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा से ज्यादा पानी देने की मांग की है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने जनता के हित में काम नहीं किए हैं, हम अपनी तरफ से पूरा पानी दे रहे हैं। नीट UG 2024 की परीक्षा और इसके रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी कि 18 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि गड़बड़ी हुई तो देखना जरूरी है क्योंकि ये लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि NTA समय रहते उचित कार्रवाई जरूर करेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि इस गड़बड़ी से कोई डॉक्टर बन जाएगा तो ये समाज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होगा। राहुल गांधी का जन्मदिन है आज, वो 54 साल के हो गए। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए कांग्रेसियों ने काफी ज्यादा तैयारियां की हैं। इस बार उनका ये बर्थडे बेहद ही खास होने वाला है। यूपी में कांग्रेस की वापसी, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन को मजबूती समेत कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्होंने राहुल गांधी को जन्मदिन खास तरीके से मनाने की वजह दी है। असम में बाढ़ की वजह से कई जिलों में भूस्खलन की घटना घटी है। राज्य के करीमगंज जिले में भूस्खलन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। राज्य में बाढ़ की वजह से 15 जिलों के 1,00,000 से ज्यादा अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से राज्य में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 90s में बॉलीवुड के कई बेहद पॉपुलर और आइकॉनिक गानों को आवाज देने वाली सिंगर अलका याग्निक ने एक काफी इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट में बताया है कि उन्हें एक रेयर न्यूरो समस्या हो गई। सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए अलका याग्निक ने अपने वेल बीइंग की कामना की है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।